अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। तो आज ये हमारा 14 दिन, तो अभी हम हैं लद्दाख लेह में। तो यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कैंपिंग टेंट लगाया हुआ था रात को। हम वहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे कुछ कश्मीरी भाइयों ने भी टेंट लगाए थे, सुबह सुबह चले गए यहाँ से। तो अभी हम हो चुके हैं रेडी, टाइम हो चुका सुबह के 6:30। अभी चांद दिख रहा है हमें, तो अभी हम चलते हैं। पहले फ़ोन वगैरह चार्जिंग करने का सिस्टम हमने इस पर बाइक पर रखा हुआ था, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम किसी होटल में रुके वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते, तो फ़ोन वगैरह चार्ज भी कर लेंगे। तो देखते हैं, आज हम जा रहे हैं पैंगोंग। तो पैंगोंग यहाँ से 150 किलोमीटर है, तो व्यू पॉइंट तक जाएंगे हम पैंगोंग। तो सोच रहे हैं कि पैंगोंग से हम वापस आके फिर यहीं पर स्टे करेंगे शाम को। तो देखते हैं आज क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र को। أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَانَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ यहाँ से हम निकल चुके हैं। ये वहाँ का व्यू देखिए आप, यहाँ पे हमने कैंपिंग की है रात को। यहाँ से हम निकलेंगे, यहाँ से हम लेंगे राइट। हम यहाँ पे रुके हैं पैंगोंग जाते वक्त, होटल में रुके थे, यहाँ पे हम आलू परोठा वगैरह खा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कोई 90-200 किलोमीटर से अभी पैंगोंग का बचा हमें। तो चलते हैं, पहले खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। अभी हम आलू परोठा खा रहे हैं, तो ये यहाँ पे 70 की प्लेट मिल रही है पैंगोंग जाते वक्त। तो खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। इस होटल में हमने खाना वाना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अभी हम हो गए हैं रेडी। तो इस रोड से होते हुए हमें जाना है पैंगोंग। सो गाइस, पैंगोंग जाते वक्त हम यहाँ पे रुके हुए हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे ये है कि हमें पास बना के आना पड़ता है लेह से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। तो हमने पास तो बनाया नहीं, तो अगर आप पास नहीं बनाते हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करके पास बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास बना है 420 रुपये का। So guys, पैंगोंग तो जा रहे थे, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई और इतना गंदा रास्ता है कि बोलने की बात नहीं है। मेरी तो हालात खराब हो गई थी, हाथ बिल्कुल काले हो गए और जंप लग लग के ना, और बाइक पे बैठ के पूरे ऑर्गन्स हिल रहे थे अंडर बॉडी के। तो ये देखें यहाँ इस तरीके की रोड है। तो अभी बहुत ज़्यादा कोई 1-1.5 घंटा अभी लगे, 74 किलोमीटर अभी है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, पहुँचते नहीं पहुँचते, लेकिन हालात ख़राब हो चुकी है अभी तक। क्या करें, जाएंगे फिर देखते हैं। होंठ फट गए, हाथ काले हो गए और ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, ऊपर तो बर्फ़ भी है जी। यहाँ पे JCB वगैरह लगा हुआ है, ये रोड साफ कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे हमने कुछ आर्मी की गाड़ियाँ देखी जिनके एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो गाड़ियाँ ऐसे की ऐसी यहाँ पे पड़ी हैं। इतना दूर ये इलाका है, यहाँ से तो मतलब वो चीज़ को मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसको लेने में ही वापस। रोड देखो, बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा बचा हुआ है और रोड से आगे बहुत ही उत्सव है। मेरे को बाइक पे नींद आ रही थी, क्या इंसान हूँ मैं यार। सो गाइस, यहाँ पे पैंगोंग जाने के लिए 10-10 रुपीज की एंट्री करवानी पड़ती है। तो अभी 35 किलोमीटर बच रहे हैं। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे सस्ता लेक, ये मिट्टी का लेक, ये सस्ता लेक है भाई। ये यहाँ पे मशीन वगैरह काम कर रही है। झारखंड से ली ना, रेंट पे लिए ना। कितना रेंट दिया इसका? 1 दिन का 2000 भाई साहब, इससे अपनी बेटर है। सो गाइज यहाँ पे लगा हुआ है आगे जाम, तो यहाँ पे हम सारे निकले।
हमारे राइडर्स पीछे भी रुके हुए। ये रहा पेंगोंग लेक, क्या अमेजिंग व्यू है यार। मतलब पेंगोंग लेक कलर शेड डालता है, हम थोड़ा सा गलत आ गए थे यहाँ पे। ये देखो, वेलकम टू मॉडर्न विलेज पेंगोंग पेबरोंग, PHABRANG पेबरोंग। हम पेंगोंग बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक। तो ये बहुत बड़ा है, मैप में आप देख सकते हो, मैप में भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो अभी सिर्फ हम व्यू पॉइंट पे आए हैं यहाँ।